गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे हसमुख कैरेक्टर डॉक्टर हंसराज हाथी सबको रुला गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से घर घर में अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर हंसराज हाथी यानी कवि कुमार आजाद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद ये चर्चा है कि क्या उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया था। दरअसल इस बात को हवा तब मिली जब डॉक्टर हाथी उर्फ कवि कुमार आजाद और शो के प्रोड्यूसर्स के बीच बातचीत सामने आई। बताया जा रहा है कि अपनी मौत के दो दिन पहले यानी 7 जुलाई को आजाद ने अपने शूट सीक्वेंस का आखिरी शॉट दिया था। उस दौरान उन्होंने मेकर से कहा था कि वो करंट सीक्वेंस के लिए उनके सभी शॉट जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि शूट खत्म होता डॉक्टर हाथी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसी बात को लेकर चर्चा गर्म है कि शायद उन्हें अनहोनी की आशंका पहले ही हो गई थी, तभी अपने सीन्स की शूटिंग जल्द खत्म करने की बात कही। वैसे करीब 200 किलो के डॉक्टर हाथी ने सर्जरी से 80 किलो वजन कम किया था। सीरियल के उनके साथी भी बताते हैं कि वो पूरी तरह से हेल्दी होकर लौटे थे और पहले से ज्यादा एक्टिव और जिंदा दिल दिख रहे थे, पर अचानक उनकी मौत से सभी सदमे में हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।